नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है चैनल कॉम्पिटिशन अड्डा पे। और जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं स्पेशली पीबी प्रिपरेशन 2018 के ऊपर। और इन लेक्चर सीरीज का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम बेसिक साइंस के बारे में पढ़ेंगे और बेसिक लेवल से ले जा करके आपको हम एक कॉम्पिटिशन लेवल तक ले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, स्पेशली ये सिर्फ और सिर्फ व्यापम एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप लेक्चर ज़रूर देख सकते हैं, मगर जो क्वेश्चंस मैं इसमें उठाऊंगा और जो मैं ओल्ड पेपर्स हैं पीबी के, उनमें से मैं इनमें कुछ प्रश्न लेकर के आऊंगा जो कि SSC वालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये टोटल में व्यापम के ऊपर बेस है, ठीक है, पीबी के ऊपर बेस है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप MP पुलिस 2018 की तैयारी कर रहे हैं या group 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। साथ में कोई भी ऐसा एग्जाम जो PB के द्वारा 2018 में कंडक्ट कराया जाएगा आने वाले समय में, उनके लिए भी ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है इस वीडियो लेक्चर की कि ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए उपलब्ध रहेगा, ठीक है। और आपको मेरे साथ तैयारी करते जाना है, मतलब आपको कोई भी नोट्स नहीं बनानी है, बस आपको वीडियो लेक्चर ध्यान से सुनना है। ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा कॉम्पिटिशन अड्डा चैनल का है वहाँ मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल भी ज्वाइन करना है, उसकी मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आज देखेंगे बेसिक साइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, और बेसिक साइंस में फिजिक्स लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि फिजिक्स के लिए बहुत डिमांड आ रही थी और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आप जरूर इनमें से करके जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में हमें ये देखना है कि इसकी स्टार्टिंग जो है वो कुछ बेसिक से डिफिनीशंस होती हैं उनसे होती है, ठीक है। मगर हर डिफिनेशन के बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर सकते यहाँ पास, क्योंकि वो आपके किसी काम की नहीं है, आपको एक सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल के लिए चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, भौतिक राशियों की, फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज से कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है फ्रेंड्स, इनसे सिर्फ इतना मतलब है कि कोई भी ऐसी राशि या क्वांटिटी जिसमें आप मैग्नीट्यूड लिख सकें, मतलब आपके पास परिमाण होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि किसी भी चीज़ की लंबाई है, ठीक है, तो उसकी लंबाई आप लिख सकते हैं जैसे 2 मीटर, रोड की लंबाई 2 किलोमीटर आप लिख सकते हैं। तो बस इसी चीज़ को हम फिजिकल क्वांटिटीज बोल देते हैं, भौतिक राशियाँ बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये बेसिक सा एक डिफिनीशन है, ठीक है। और भौतिक राशियों में जैसे आप देख सकते हैं द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, हर चीज़ आपके भौतिक राशियों में ही आता है। जिनको आप देख सकते हैं वो सभी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है। लेकिन जैसे खुशी हो गई, आप खुशी को कैसे माप सकते हैं, खुशी को आप मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उत्साह हो गया, गुस्सा हो गया, इनको आप मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इन बात को आप ध्यान रखें। अब इनके अंदर 2 पॉइंट आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सदिश मतलब वेक्टर क्वांटिटीज और एक आता है अदिश स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो हम सबसे पहले इनमें से बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, जिनमें बहुत क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लेक्चर में आपको इनमें से सवाल मिल जाते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, स्पेशल डायरेक्शन जिसे हम बोलते हैं वो क्या है। तो मैग्नीट्यूड से जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि कोई भी एक रॉड है और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है लंबाई, ठीक है, तो यही है मैग्नीट्यूड। मगर अगर ये 2 मीटर अब जैसे किसी को ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है, ठीक है, और चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ए से बी पॉइंट में जाना है और इसकी 2 किलोमीटर क्या है लंबाई है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि आपको ए और बी के बीच में जाना है, लेकिन आपसे स्पेशल डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि आपके पास कई रास्ते हैं कि आप ए से बी जा सकते हैं, बी से ए जा सकते हैं, तो कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन जब आपसे ये बोल दिया जाए कि ए से बी आपको जाना है मगर इस रास्ते से जाना है एक स्पेशल डायरेक्शन के साथ, जैसे घड़ी जो होती है ना वो घड़ी घूमती है, तो घड़ी का एक
क्लियर डायरेक्शन होता है कि वो इस तरीके से ही घूमेगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्पेशल डायरेक्शन है कि उसके अलावा वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये चीज़ है डायरेक्शन मेन इम्पॉर्टेंट है जो वेक्टर में। मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी होता है, वेक्टर में भी होता है, बिना मैग्नीट्यूड के वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं रहेगी, भौतिक राशि ही नहीं रहेगी। मगर इम्पॉर्टेंट क्या है वेक्टर में, कि वेक्टर में डायरेक्शन भी होता है, दिशा भी होता है, स्पेशल डायरेक्शन, ठीक है। अब हम आगे भी इसको अच्छे से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, मगर यहाँ पर आपको हम एक बेसिक एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे वेलोसिटी, वेग क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन वेग क्या होता है, वेक्टर होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। इसी तरीके से विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, आपका वेक्टर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसी कारण से आपका वेलोसिटी भी वेक्टर है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये दोनों आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, मतलब दोनों वेक्टर हैं। साथ में फोर्स, बल, आप बल अगर लगाएंगे किसी दीवार में, अगर आप बल लगा रहे हैं तो एक स्पेशल डायरेक्शन में आप बल लगाएंगे ना, आप इस चीज़ को देखें कि आप एक स्पेशल डायरेक्शन में बल लगाएंगे तब तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, आपका प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो इसलिए ये तीन मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके सामने आएंगी जिनकी अभी आपको डिफिनेशन नहीं पता होगी, तो वो सभी जो आने वाले लेक्चर हैं लॉ ऑफ मोशन वगैरह में, उन सब में मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदिश राशि, कुछ नहीं है, डायरेक्टली जो हमने वेक्टर में पढ़ा उसका ये अपोजिट मान सकते हैं आप। इसमें इसको हम स्केलर्स बोलते हैं, और इसमें मैग्नीट्यूड तो आपका रहेगा जैसे कि मैंने बताया, मगर डायरेक्शन आपका नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पास डायरेक्शन में काट दिया है, रीजन ये है कि आपको याद होना चाहिए कि डायरेक्शन आपका नहीं रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन मतलब स्पेशल डायरेक्शन, स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है। जैसे मास, मास से बॉडी में होता है, किसी भी मैटर में होता है, मगर पता नहीं होता है कि वो किस डायरेक्शन में है, ठीक है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं, चाल हो गया, तापमान हो गया, कार्य हो गया, कोई भी वर्क है, समय, ये सब चीज़ें का आप डायरेक्शन नहीं बता सकते, मगर ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इनका मैग्नीट्यूड बस होता है, ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जिनमें जिनको कई बार पूछा जा चुका है व्यापम के एग्जाम में और कई अन्य एग्जाम में, वो है कि मास और वेट से रिलेटेड कुछ प्रश्न बन जाते हैं, अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, मतलब द्रव्यमान और भार से रिलेटेड क्या बनता है, हम वो देख लेते हैं आपको। द्रव्यमान का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कोई भी एक मैटर है या एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसमें कितना द्रव्य भरा हुआ है, मतलब जो मास है उसका वो कितना है, मगर वेट क्या होता है, उस मास में कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा। आप सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण होता है हमारी पृथ्वी में, ठीक है, तो कितने बल से खींच रही है उस मास को हमारी पृथ्वी, वो चीज़ होता है वेट। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, मतलब मास और वेट में, मास पे वेट लगता है, ठीक है। लेकिन मास में एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, अगर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव में ही मास होगा, ना ही अगर एक समय पे हम देखें तो हर एक स्थान पर कहीं भी आप चले जाइए, चाहे आप पृथ्वी से चंद्रमा में चले जाइए, किसी और में चले जाइए, जुपिटर में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ठीक है, आपका जो मास है हर जगह सेम रहेगा, मगर आपका वेट हर जगह बदल जाता है, इस बात को आप ध्यान रखें। पृथ्वी में आप कहीं भी रहेंगे तो वेट भी आपका सेम रहेगा, मगर आप जैसे ही मून पर जाएंगे तो 1/6 से कम हो जाता है, मतलब अगर एक बोरी रखी हुई है पृथ्वी पर, आप उसको उठाते हैं, ठीक है, तो इसकी अपेक्षा में जो मून पे आप उस बोरी को उठाएंगे तो 1/6 बल आपका कम लगेगा, ठीक, 1/6 फोर्स जो होती है वो कम लगता है मून में। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए वो है SI यूनिट्स, बहुत महत्वपूर्ण है, VIP है ये, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप जरूर देख लीजिए। इसमें मैंने सिर्फ कुछ SI यूनिट्स का उल्लेख किया है यहाँ पास, ताकि आपको समझ में आ सके कि जो महत्वपूर्ण है, बाकी इसका सारा का सारा मैं एक पूरा पैटर्न जो है SI यूनिट्स का वो मैं डाल दूंगा, जितने भी SI यूनिट्स होते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आपको अच्छे से वहाँ पर सारा मैटर उपलब्ध हो सके। तो लंबाई का मीटर होता है, आप सभी को पता है, बहुत बेसिक सा है। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, कोई ग्राम बोले तो आप उसको पूछ लीजिएगा कि SI यूनिट किलोग्राम और SI यूनिट और CGS यूनिट में क्या फ़र्क होता है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो
तो किलोग्राम होता है मास का, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का होता है सेकंड, मिनट नहीं होता है ध्यान रखें आप, टेम्परेचर का केल्विन होता है, वर्क मतलब कार्य का जूल होता है, ऊर्जा एनर्जी का जूल होता है, कार्य और ऊर्जा का दोनों का सेम टू सेम SI यूनिट होता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा जा चुका है। शक्ति पावर, पावर का वाट होता है, बल और फोर्स का न्यूटन होता है, ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं मगर इनसे भी प्रश्न बन करके आ जाते हैं सामने आपके। इसके बाद हम बात करते हैं मोशन, मतलब जो चाल होती है उसके बारे में, कि कौन कौन से बेसिक डिफिनेशन हैं और बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कई बार पूछ लिया जाता है कि दूरी और विस्थापन में क्या फ़र्क है, तो इसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान से देखें कि अगर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है मगर आपको क्लियरली नहीं बताया गया कि आपको किस पाथ से जाना है, तो आपके पास कितने पाथ है जाने के लिए। आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, मतलब कई पाथ हैं, इन्फिनिटी पाथ हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं बी पॉइंट पर, ठीक है। मगर आपको डायरेक्टली जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ एक रहेगी ए से बी के लिए डायरेक्ट वाली, ठीक है। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। यही जो सबसे कम दूरी वाला जो रास्ता होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिसमें सबसे कम दूरी तय करनी पड़े, ठीक है। अब क्योंकि सबसे कम दूरी तय करनी पड़ रही है तो इसमें डायरेक्शन भी क्लियर होगा कि हाँ आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में ही चलना है और इस पॉइंट पे जा करके रुक जाना है, ठीक है। तो डायरेक्शन है इसलिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखें हमेशा डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा ही होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, या तो ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा, डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, ठीक। वहीं साथ में चाल और वेग, चाल और वेग भी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। स्पीड डिस्टेंस में निकाली जाती है, वहीं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर निकाला जाता है। आखिर ये है क्या, स्पीड और वेलोसिटी से सिर्फ इतना मतलब है दोनों का काम सेम है मगर इनका नाम अलग किया गया है, क्योंकि ये जिसके ऊपर निकाले जाते हैं उनका नाम खुद ब खुद अलग है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनसे मतलब ये है दोस्तों कि हर एक सेकंड में आपकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है ये आपको निकालना है इसके अंतर्गत, ठीक है। स्पीड जैसे आप किसी बाइक से जाते हैं, ठीक है, और 100 किलोमीटर आपको जाना है, ठीक है, और आप 100 किलोमीटर जाते हैं कितने में, मान लेते हैं कि 120 मिनट मतलब 2 घंटे में, तो आपको स्पीड निकालना है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपकी स्पीड आ जाएगी। चलिए मैं एग्जांपल लेते हैं यहाँ पास कि एक सेकंड में अगर आप 100 मीटर जाते हैं, ठीक है, और 10 सेकंड टोटल आप पे ट्रेवल करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पास आपकी स्पीड क्या आएगी, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितनी आएगी, 10 मीटर पर सेकंड। वहीं वेलोसिटी पे अगर हम देखते हैं 80 मीटर आपको ट्रेवल करना है और 10 सेकंड आप ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना टाइम लगेगा, मतलब आपकी वेलोसिटी, जो स्पीड के बारे में मैंने बताया आपको स्केलर होता है मगर वेलोसिटी आपका 8 मीटर पर सेकंड आएगी, ठीक है। अब वेलोसिटी का मतलब है कि आपको बता दिया गया कि स्पेशल इसी डायरेक्शन में आपको ट्रेवल करना है, ठीक, मगर स्पीड में आपको ये पता नहीं होता है। इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट आता है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या होता है कि उससे पहले आपको दो चीज़ पता होना चाहिए, फाइनल, देखिए फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो वेग का स्टार्टिंग होता है वो कितने पे होता है और उसे हम क्या कहते हैं। जैसे यू से हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, वहीं हम फाइनल वेलोसिटी को बी से डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कोई गाड़ी ए से बी पॉइंट के लिए जा रही है और ए पॉइंट पे उसकी स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकंड की थी, लेकिन वी में पहुंचते समय जब वो रुकी है फाइनली तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, वी माइनस यू बाई टी लगा देना है, ठीक है, तो आपका 4/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैं मीटर पर सेकंड बोल रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये इनको हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है।
तो एक्सीलरेशन और कुछ नहीं है, बदलाव जितना भी हुआ है वेलोसिटी में और जितने समय में हुआ है, जितने समय के लिए ट्रैवल किया गया या कोई भी काम किया गया है, ठीक है, जितने समय के लिए वो मोशन में था पार्टिकल, उतने समय के लिए आपका एक्सीलरेशन निकल आता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक से हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिनमें से बेसिकली दो नंबर के आपके सवाल जरूर बनते हैं, क्योंकि उसमें इनर्शिया एक टॉपिक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से अक्सर व्यापम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो ला सकें, और जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दोस्तों।